तो हुण दर्शन दीदारे खुल रहे ने ते नाल ही सेवा संभाल भी सानू मिलनी चाहिए है। ये कहना है हरसिमरत कौर बादल का। श्री करतारपुर साहब का लांघा खोले जाने के फैसले का साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों स्वागत किया गया। उन्होंने गुरु चरणा च अरदास की कि खुले दर्शन दीदार तो बाद संगत को गुरु घर की सेवा संभाल का भी जल्द मौका मिले तो श्री करतारपुर साहब जल्द भारत का हिस्सा बने। तन सो देश जहाँ तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो तन तन गुरु नानक पातशाह जी का कोटान कोट धनवाद। सदियां पुरानी सिख कौम की अरदास सुनते हुए मालिक आप जी ने अपने 500 साल के अवतार दिहाड़े च बहुत वड्डी रहमत करके इस करतारपुर साहब लांघे नो आप जी ने खोलिया सी ते साढ़े वर्गियां नो हज़ारां नो उत्थे नतमस्तक होने का मौका मिलिया। कुछ कारणा करके पिछले समय च यह लांघा बंद हो गया, लेकिन एक बार फिर आप जी ने अरदास सुन के जिथे रहमत की कि इस करतारपुर साहब लांघे नो एक बार फिर खोल के सानू अपने दर्शन नसीब किए ने। मालिक के चरणा च आही अरदास कि साड़ी सरकारा नू पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दी दोनों दी सरकारा नू समत बख्शन। ते जिहड़ी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी नू कि 1948 उस समय श्रोमणी अकाली दल ने मंग रखी सी कि जिस तरह जब देश की वंड 47 होई सी उस तरह शहीद भगत सिंह जी की धरती फिरोजपुर च जिहड़ा पाकिस्तान का हिस्सा सीगा ते तबादला करके हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया, आही सन 48 श्रोमणी अकाली दल ने मंग उस समय भी रखी है कि साडा करतारपुर साहब केवल 4 किलोमीटर दूर हैगा, कुछ तबादला करके ये धरती पावन धरती गुरु साहब की चरण छो धरती भी साढ़े पंजाब का हिस्सा बने। गुरु साहब सब कुछ आप जी के हाथ में है, आप जी के चरणा च आही अरदास खुले दर्शन दीदार बख्शन वाले भी तुम आप हो। हुण सेवा संभाल भी सिख कौम नू बख्शो, खालसा पंथ नू बख्शो, ताकि जिस गरीब दे मन विच खिच होए सानू इंतजार ना करना पए कि साडी सरकारां सानू इजाजत दे। जदों जी करे आप जी दे उस पावन धरती च नतमस्तक होके आप दी झोलियां आप दी रहमत दे नाल असीं भर सकीए। अज तुहाडे इस गुरपुरब दे समय च आही अरदास, कृपा करो मालिक खालसा पंथ नू अपने सेवा संभाल दी दात भी जरूर बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।